धार जिले के धर्मपुरी में स्थित बिल्वा मृतेश्वर महादेव की शुक्रवार 17 फरवरी को शाही सवारी निकाली जाएगी। साथ ही शनिवार 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस आयोजन को लेकर भक्त मंडल द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों और चौराहों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जो शिव भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व भक्त मंडल द्वारा बिल्वा मृतेश्वर महादेव की भव्य शाही सवारी शाही अंदाज में निकाली जाती है। भव्य शाही सवारी शुक्रवार दोपहर ऋण मुक्तेश्वर महादेव तहसील प्रांगण से निकलेगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण कर देर रात्रि राजबाड़ा चौक पहुंचेगी। यहां बाबा जागीरदास महाराज की महाआरती होगी। तत्पश्चात बेड स्थान मंदिर में बाबा विराजमान होंगे। शिव की बारात में भूतों की टोलियां, चलित झांकियां, अन्य प्रांतों से गरबा, नृत्य दल, डीजे साउंड, फूल बरसाती तोपे व दूर दूर के गांव, ग्रामीणों अंचलों एवं मोहल्लों से अलग अलग आकर्षण झांकियां शिव की बारात में सम्मिलित होंगी। हजारों की संख्या में शाही सवारी में शिव भक्त शामिल होंगे। जागीरदास महाराज का पुष्प वर्षा से नगर में स्वागत होगा। हजारों की तादाद में आने वाले शिव भक्तों के लिए नगर में शीतल जल, स्वल्पाहार, प्रसादी आदि स्टॉल भी नगर के समाज सेवी एवं विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए जाएंगे। शाही सवारी एवं महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस थाना परिसर में प्रशासनिक और नगर के वरिष्ठ नागरिकों के बीच बैठक हुई। बैठक में शाही सवारी एवं महाशिवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था एवं अन्य विषयों पर चर्चा की। नगर गणमान्य नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन व्यवस्था एवं जिम्मेदारियों को लेकर नाराजगी भी जताई है। शाही सवारी को लेकर क्या तैयारी है? शाही सवारी को लेकर इस बार शिव महोत्सव 3 दिवसीय मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 17 फरवरी को महाशिवरात्रि पर एक दिन पूर्व बाबा जागीरदास की भव्य शाही सवारी निकाली जाएगी और 18 तारीख को महाशिवरात्रि और रात्रि को महाआरती रखी गई है और 19 तारीख को शिव प्रसिद्ध भजन गायक श्री किशन जी भगत द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया राजबाड़ा चौक। और नया कुछ कार्यक्रम और कहीं है? आकर्षण रहेंगे शाही सवारी में, केरल के जो नए ढोल आ रहे हैं वो, और चलित झांकियां, और अपना हिसार हरियाणा से चलित हनुमान जी और भोलनाथ जी की पूरी टीम, जो उनके 25 जने की टीम है, वो आ रही है। क्या नाम होगा? रवि गोयल, धर्मपुरी, श्री बिल्वा मृतेश्वर महादेव भक्त मंडल सदस्य। जी, शाही सवारी को लेकर क्या तैयारी? शाही सवारी के लिए जब महाशिवरात्रि के पर्व पर महान शाही सवारी निकलेगी शिवरात्रि के एक रोज पहले, और आज भगवान भोलेनाथ को गांव की समस्त महिला माता बहनों के द्वारा आज हल्दी की रस्म, भोलेनाथ के हल्दी उत्सव मनाया जाएगा। बाबा को दूध और केसर में घोल करके माँ मनोकामना मैया के मंदिर से हल्दी लगा करके, उनकी पूजा करके, उनको हल्दी लगा करके, फिर भगवान बिल्वा मृतेश्वर महादेव जागीरदार बाबा को आज हल्दी महिलाएं लगाएगी, और उसके बाद कल जो है शाही सवारी निकलेगी, और शाही सवारी में भव्य जुलूस के साथ देवादिदेव महादेव, बेट सरकार, जागीरदार नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। क्या नाम है पंडित जी? मेरा नाम पंडित वीरेंद्र कुमार व्यास, बेट पुजारी, बेट स्वस्थान, धर्मपुरी। दादा, शाही सवारी को लेकर क्या तैयारी? आज पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी की प्रमुखता में बैठक आयोजित की गई। इसमें भक्त मंडल को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनदेखी करने का जबरदस्त रोष है। इतना बड़ा आयोजन जो कि नगर ही नहीं बल्कि जिले में नहीं बल्कि प्रदेश में प्रसिद्ध है, इतने बड़े आयोजन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनदेखी करते हुए अपनी जवाबदारी से मुकरना और अब कार्यों को ढंग से अंजाम नहीं देने के लिए उपस्थित नहीं होना, ये प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है, और साथ ही नगरपालिका के कोई भी कर्मचारी का उपस्थित नहीं होना इस कार्यक्रम की घोर उपेक्षा को दिखाता है। तो हमारी इसके माध्यम से शिकायत है कि इतने बड़े आयोजन को लेकर, जबकि सब दूर सारे दर्शनार्थी इसके लिए उत्सुक है कि कार्यक्रम कैसा रहेगा, व्यवस्थाएँ कैसी होगी, उसको लेकर भक्त मंडल में निराशा का माहौल है कि कम से कम वरिष्ठ अधिकारियों ने तो इसको पहल करते हुए कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो, व्यवस्थाएँ व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, इसके लिए पहल करते हुए बड़ी बैठक आयोजित करना थी। क्या नाम है? धर्मपुरी से मनोहर चौहान की रिपोर्ट।